ये बात है सन 1990 की, जब दिल्ली के एक व्यक्ति ने MRF कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीदे। तब MRF कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 10 रुपए थी, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए उस व्यक्ति ने MRF कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गए और लगभग 10 साल उन्हें रिकवर करने में लग गए। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने MRF के 20,000 शेयर्स की बात अपने पोते को बताई और जब पोते ने पता लगाया तो वो ये सुन के हैरान रह गया कि जो 20,000 शेयर्स उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदे थे तब उनकी कीमत 130 करोड़ रुपए हो चुकी थी और आज के वक्त उन 20,000 शेयर्स की कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए हो चुकी है। गाइस, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। हम मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपनी सेविंग्स को या तो FD में या RD में रखते हैं, लेकिन अगर उसका 10 या 20% हिस्सा भी हम लोग इन्वेस्ट कर दें तो शायद हमारे बारे न्यारे हो जाएं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू